हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले तो इस शहर में आपका शहर है और इस शहर में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और बड़ी तादाद में आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे हाथ में एक बुकलेट है और ये बुकलेट है मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हमारा सवाल है कि 9 साल 9 सवाल हम मौजूदा सरकार से जो अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटती रहती है, हम उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं जो इन 9 सालों में हमने देखा है, हमारी पार्टी ने देखा है। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, जिसमें हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम मुसलसल सड़क से सदन तक, संसद तक महंगाई पर और बेरोजगारी पर हुकूमत से सवाल करते रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और ये हुकूमत लगातार मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसान और एग्रीकल्चर, 9 साल में किसानों की आयु, आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई जैसा कि सरकार ने वादा किया था। हमने देखा कि एमएसपी का जो वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के करीब, सिंघू बॉर्डर के करीब बैठ करके 700 किसानों ने शहादत दी अपनी, कुर्बानी दी अपनी, तब जाकर के जो कृषि कानून था, जो काला कानून था, उसको हुकूमत को वापस लेना पड़ा। हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है करप्शन का। ये सरकार अपना चेहरा चमकाती है और ये कहती है कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाली सरकार किस तरह से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा आवाम की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो दांव पर लगाया गया। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में जो लगे हैं वो किसके हैं, उसको लेकर के सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े बड़ी बातें करती है, पार्लियामेंट में की स्पीचेस में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पे सरकार को सांप सूंघ जाता है। लाल आंख दिखाने की बात करने वाली हुकूमत 2020 में चाइना को क्लीन चिट दे देती है, जबकि चाइना आज भी हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। उस पे हमने पार्लियामेंट में मुसलसल सवाल पूछे लेकिन सरकार भागती रही और पार्लियामेंट को एडजर्न करती रही, चर्चा से भागती रही। एक बड़ा सवाल है सामाजिक सद्भाव का। आप सब ने देखा हालिया दिनों में कर्नाटक का इलेक्शन हो या उससे पहले के इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, इन सब के भाषण उठा करके देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो मेयार है उस मेयार से बहुत नीचे उतर के उन्होंने मौजूदा वक्त में बातें की। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीती तो दंगे होंगे, जबकि उसी वक्त मणिपुर जल रहा था जहां पे भाजपा की सरकार है। तो ये इलेक्शनों के दौरान जिस तरह से ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, यकजहती को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनसे इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि सोशल जस्टिस का क्या हुआ, महिलाएं, दलित, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ ये सरकार उनके खिलाफ हो रहे हर जुल्म पर चुप है। सबसे बड़ी बात कि बेटियां जिन्होंने ओलंपिक लाया है इस देश के लिए, मेडल लाया, ओलंपिक मेडल लाया है, वो तकरीबन 1 महीने से प्रधानमंत्री के घर के पास पार्लियामेंट से महज 800 मीटर की दूरी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक MP के खिलाफ लगातार बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसके खिलाफ पास्को में FIR दर्ज होता है लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती। बेटियां मुसलसल सरकार से पूछ रही हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ चला गया। हमारी आंखों ने यह भी देखा कि किस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से प्राइम मिनिस्टर ने महिला सुरक्षा पे बड़ी बड़ी बातें की और उसके महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको सरकारी शह पर रिहा किया गया, उन्हें माला पहनाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई
क्या है, आपके एससी एसटी ओबीसी को लेकर के आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उस पर जवाब दीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको लेकर के किस तरह से ये हुकूमत अपोजिशन के नेताओं को कुचलने की कोशिश कर रही है, ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष के सारे लीडर्स को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन में किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके हुकूमतें लूटी गईं, आप सब ने देखा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मणिपुर में हुकूमतों को लूटा गया, जमहूरियत को लूटने का काम किया इस सरकार ने। हम इस 9 साल के पूरे होने पर 9 सवालों में से एक सवाल इस हुकूमत से ये भी पूछ रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि सोशल वेलफेयर की जो आपकी स्कीम्स थी उसमें कटौती क्यों की आपने, मनरेगा जो आवाम के लिए, गरीब मजदूर के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसके बजट में आपने कटौती कर दी, आदिवासी और गरीब और ज़रूरतमंद के सपनों को आप कुचल रहे हैं। और आखिरी सवाल हमारा जो बहुत अहम है वो है कि कोरोना मिसमैनेजमेंट में जहां 40 लाख लोग मारे गए इस मुल्क में सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, वहां पर आपने लोगों को, आपने देखा होगा, तस्वीरें देखी होंगी कि लाखों लाख लोग पलायन करने को मजबूर हुए, सड़कों पर पैदल हजारों हजार किलोमीटर चले, लेकिन हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगी। ये हुकूमत सिर्फ थाली और ताली बजवाती रही, ये हुकूमत सिर्फ इवेंट करती रही, लोग मरते रहे, सेंट्रल विस्टा बनता रहा, आवाम मरती रही। ये हमारे 9 सवाल हैं जो हम इस हुकूमत से पूछ रहे हैं उनके 9 साल पूरे होने पर। बाकी आपके सवाल अगर हैं तो वो